उत्तर प्रदेश के बदायूं के वैद्यों के टोला में 5 लोगों का एक परिवार 4 साल पहले तक ठीक ठाक रह रहा था, जब तक घर में सब लोग मौजूद थे, यानी कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ थे। परिवार में 5 लोग थे, नजीब, उसके माता पिता और 2 भाई। पिता नफीस अहमद का फर्नीचर का कारोबार था। नजीब JNU में बायोटेक्नोलॉजी का छात्र था और मंझला भाई मुजीब MTech, तो छोटा भाई हसीब भी पढ़ाई कर रहा था। जब नजीब JNU से घर आता था तो परिवार चहक उठता, लेकिन 15 अक्टूबर 2016 को नजीब लापता क्या हुआ, मानो इस घर की खुशियां ही चली गईं। नजीब की तलाश में माँ फातिमा नफीस ने शहर शहर सड़कों की खाक छानी, दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए कभी बस तो कभी ट्रेन में सफ़र किया। लेकिन नजीब की तलाश का यह सफ़र 4 साल बाद भी अधूरा है। नजीब के भाई हसीब कहते हैं कि नजीब की तलाश में उम्र को मात देने वाली माँ फातिमा का अब ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजरता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और उससे भी ज़्यादा नजीब के ना मिलने के गम ने माँ फातिमा को कमज़ोर कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर अब वक्त आराम करते हुए कटता है, लेकिन बीते 4 सालों में शहरों को नापने वाली नजीब की माँ को अब आराम खलता है। उन्हें लगता है कि आराम की वजह से वो नजीब को तलाशने वाले वक्त को बर्बाद कर रही हैं। कभी कभी उन्हें होक उठती है कि वो नजीब को तलाश करने जाएंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिजन उन्हें कहीं लेकर नहीं जाते। घर में ही वो थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं। पिता नफीस भी घर पर रहकर आराम करते हैं। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 2016 को नजीब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गायब हुआ था। तब से लगातार नजीब की मां के साथ ही देश की 3 बड़ी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, SIT और CBI भी नजीब को तलाश कर चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर न मिली। नजीब की मां फातिमा नफीस का कहना है, बेशक बीमारियों ने मुझे घेरा हुआ है, लेकिन अभी मैंने हिम्मत नहीं हारा। आज भी घर में बैठे बैठे सभी वकीलों से बात करती हूँ, केस का स्टेटस जानती हूँ। जगह जगह दूसरे शहरों में जो हमारे हमदर्द हैं और नजीब को तलाशने में हमेशा हमारी मदद की, उन्हें भी फ़ोन करती हूँ। वो अपनी कोशिशें जारी रखें, लेकिन देखना है नजीब आखिर कब मिलते हैं।